So students, we are continuing the video. Now we will take another problem. This is objective type numerical problem. So what does this say? This is on page number 39 of your PDF notes. If the refractive index of a material of equilateral prism is root of 3. यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मटेरियल ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म, तो हमने बताना है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इसमें से चूज करना है, एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा. सो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म इज रूट ऑफ 3, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म दिया है रूट ऑफ 3, तो एंगल ऑफ डिविएशन हमें निकालना है. तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ द प्रिज्म क्या है. सो हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन. इन चार में से हमने ये मल्टीपल चॉइस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसमें से हमें चार आंसर्स दिए हैं. अब इसमें से देखेंगे हम इसका आंसर कौन सा करेक्ट है. वो ए पार्ट में 30 डिग्री है, बी पार्ट में 45 डिग्री है, सी पार्ट में 60 डिग्री है, डी पार्ट में 75 डिग्री है. सो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे इन चार में से इसका आंसर क्या होगा सही. सो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री ऑलरेडी होता है, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ऑलवेज 60 डिग्री. यहाँ तो जब एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया है तो एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज टू बी टेकन एज 60 डिग्री. म्यू रूट ऑफ 3 वहाँ पर प्रॉब्लम में दिया है, हमें निकलना है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन हमें निकालना है. सो जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हो वी विल यूज़ द फार्मूला जो हमने मिरर फार्मूला हमने यूज़ किया, प्रिज्म फार्मूला जो हमने यूज़ किया हमने निकाला पहले, वो बराबर है म्यू, प्रिज्म फार्मूला म्यू इज इक्वल साइन ऑफ ए प्लस डेल एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, ये बनेगा म्यू इंटू साइन ऑफ ए बाई 2, ये आएगा लेफ्ट साइड में और यहाँ रहेगा साइन ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइड बाई 2. अब बच्चों हमारे पास ऑलरेडी दिया है म्यू, ऑलरेडी दिया है हमें प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में म्यू दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है रूट ऑफ 3. सो वी विल टेक रूट ऑफ 3, म्यू के पहले हम रूट ऑफ 3 लिखेंगे. साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म जो है इट इज टू बी टेकन एज 60 डिग्री, सो एंगल ऑफ, क्योंकि प्रॉब्लम में नहीं दिया है, सो एंगल ऑफ द प्रिज्म इज टू बी टेकन एज 60 डिग्री डिवाइड बाई 2. एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा 60 डिग्री होता है डिवाइड बाई 2, सो ए के बजाय 60 आई डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर भी साइन ऑफ ए के बजाय 60 डिग्री प्लस डेल्टा हमें निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन हमें निकालना है डिवाइड बाई 2. सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा रूट ऑफ साइन ऑफ, ये बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पर कट हो जाएगा, ये बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, ये बनेगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, ये बनेगा, दिस इज ऑन पेज नंबर 39 ऑफ योर पीडीएफ नोट. सो यहाँ पर जो है ये बनेगा रूट थ्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर है 1/2. सो रूट थ्री इंटू ये बनेगा साइन 30 के बजाय 1/2 लिखा हमने, इज इक्वल टू ये साइन ऑफ ये बनेगा 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम डिवाइड बाई 2. तो ये बनेगा रूट 3/2, क्योंकि रूट 3/2 के बजाय हम लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री. तो इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम साइन में लिखेंगे, तो रूट ऑफ 3/2 क्योंकि हमारे पास साइन 60 डिग्री के बराबर है, सो ये ऊपर जो बनेगा रूट ऑफ 3/2, सो वी कैन राइट साइन ऑफ 60 डिग्री. सो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये साइन और साइन जो कैंसिल, यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस रूट एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइड बाई 2. तो यहाँ क्रॉस करेंगे, ये बनेगा 60 इंटू 2 बनेगा 120 इज इक्वल टू, ये बनेगा 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन. सो यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो है वो निकला 120 माइनस 60 डिग्री, वो निकला 60 डिग्री. सो बच्चों इस प्रॉब्लम में हमें दिया था, हमें ये जो राइट ये जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म दिया था रूट 3, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ द प्रिज्म हमें निकालना था, और इन चार आंसर्स में हमने बताना है कि क्या है. सो हमें एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो इन चार में से जो कैलकुलेट करके वो निकला 60 डिग्री. तो हमने मेरे प्रिज्म फार्मूला को यूज़ करके ए और म्यू का वैल्यू देके हमें कैलकुलेशन के बाद हमारा एंगल ऑफ जो मिनिमम डिविएशन है वो निकला हमें डेल्टा एम इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो थैंक यू, वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़.